ओके वेलकम टू कैलकर एकेडमी। तो यार अब तक अपन ने चार रिएक्शन की बात कर रखी थी, फोर केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। मतलब हमने चार केमिकल प्रॉपर्टीज पे देखा था। हमने हमने पहले बात की थी बेसिक नेचर की, सेकंड हमने बात की थी यहाँ पे अल्कलेशन की, फिर हमने असाइलेशन किया, फिर हमने चौथा किया अपना कार्बामाइन टेस्ट करके, मतलब कि वो टेस्ट कैसे होता देखा हमने यहाँ पे सिंपल। आज हम जो बात करने वाले, हम बात करेंगे रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो जो हमारा नाइट्रस एसिड होता है बेसिकली ये होता है HNO2 करके। तो इससे कुछ खास बात होती है यहाँ पे, ऐसी कुछ खास बातें होती है, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। मतलब कि ये मान लो आपने बनाया नाइट्रस एसिड, तो ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिक ना, ये ऑटोमेटिक हमने रख दिया मान लो आपसे ग्लास में भर के, तो ये ऑटोमेटिक HNO3 में कटवाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो क्या करते हैं हम ना, हम डायरेक्टली अपने अमाइन को स्टेट नहीं कराते, हम ना HNO2 को सोल्यूशन पेपर कराते हैं। मतलब कि मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे NaNO2 को और HCl को साथ ही मिलाऊंगा। मतलब करते ऐसा है कि ना, हम कंपाउंड के अंदर हम कुछ ऐसा करते कि सॉल्यूशन के अंदर ही आपका ये HNO2 बनेगा, बाहर नहीं बनेगा, बाहर अंदर ही बनेगा, अंदर आपके कंपाउंड के अंदर। और अंदर अंदर क्या होगा, HNO2 बन के अंदर ही अंदर स्टेरेट कर लेगा। मतलब कि हम यहाँ पे डायरेक्टली HNO2 यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत अनस्टेबल होता है वो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl को क्या करेंगे, उसको हम मिक्स करेंगे और उसके साथ में डाल लेंगे अपना हम अपना एमाइन। तो क्या होता है कि तीनों मिलजुल के, और ये जो आपका ये मिक्सचर ही है NaNO2 प्लस HCl, ये बेसिकली HNO2 प्लस में NaCl बन जाता है। और यार हमारा यहाँ का इस रिएक्शन में जो हीरो यही तो है, मेन हीरो, और यही क्या करता है, यही अपना प्राइमरी इम्यून सेलेक्शन कर लेता है। तो सिंपल चल के बताओ आपको यहाँ पे ये कैसे बनता है। अभी बात करते हैं कि रिएक्शन कैसे होगा। तो याद रखना, यहाँ पे ये रिएक्शन खाली बस प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन देते हैं। देखो ज्यादा जो रिएक्शन होती है आपकी अमाइंस की, टर्शरी बहुत कम, ज्यादा मतलब ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते वो कभी रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि उनके पास एच नहीं होता ना। हमने देखा है कि प्राइमरी अमीन में और सेकेंडरी अमीन में उनके पास हाइड्रोजन होता है। हाँ, तो इन इफ प्राइमरी अमीन एंड सेकेंडरी अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, क्लियर। कैसे बनाएंगे इसको हम, सिंपल, इसको हम NaNO2 प्लस में HCl के मिक्सर बनाएंगे, देन इट फॉर्म अल्काइल डाइजिनियम सॉल्ट। ये ऐसा रिएक्शन करता है, तो इससे क्या मिलता है हमें, इससे हमें अल्काइल डाइजिनियम सॉल्ट मिलता है, जो कि बहुत अनस्टेबल होता है और वो डिकम्पोज हुआ था हीटिंग करने पे। सिंपल इसका क्या मतलब है, देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे RN2 RNH2 आपके पास है, आपने क्या किया इसका रिएक्शन, आपने कराया मान लो HNO2 से। और हाँ, आपके दिमाग में होना चाहिए कैसा है ये, तो ये बेसिकली से है, ये एक्चुअली NaNO2 प्लस में HCl के मिक्सर से है। NaNO2 अपना स्टेबल होता है, याद रखना यहाँ पे NaNO2 होता है सिंपल व्हाइट कलर का होता है, अपना पाउडर फॉर्म में होता है, उसको अगर हम डाले HCl के फॉर्म में तो हमें यहाँ पे हमारा सोल्यूशन होता है वो HNO2 का बन जाता है सिंपल। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली हमें यहाँ पे आर N2 सील मिलता है। दो मिनट को बताता हूं मैं, RN2 सील करके RN2, और यहां आपका RN2 सील माइनस, ये हो गया आपका सॉल्ट, ये बनता है आपका इससे। अभी कैसे बनता है ये आपका जाना नहीं है, आपके इस लग में है नहीं, तो हम सिंपल हम मान लेंगे बन गया हमारा ये, और ये आपका सॉल्ट होता है जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे N2 है। और कोई भी रिएक्शन में अगर मान लो अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, अगर वो निकलना चाहता तो निकल सकता है वहां पे, तो यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, बहुत अनस्टेबल, वो एकदम बहुत जकड़ा हुआ है, तो वो निकलना चाहेगा। और हमने अगर थोड़ा सा भी हिट किया, हमने उसको अगर थोड़ा सा भी हिट किया यहाँ पे, थोड़ा सा भी हिट किया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हम वहां पे डालेंगे वाटर और उसको हीट कर देंगे, तो हमें यहाँ पे मिलाता है एल्कोहल प्लस NaCl, और प्लस N2 गैस यहाँ से लिबरेट होती है, ये N2 जो हमारा ये यहाँ से आजाद हो जाता है ऐसा कुछ इस तरह से। तो ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको मिल गया यहाँ पे क्या, अल्कोहल फाइनली। सिंपल है, लेट्स से मैं एक और रिएक्शन मान लूँ यहाँ पे सिंपल में, अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ कैसे यहाँ पे होता है, तो सिंपल CH3CH2NH2 लिखा हो मान लो आपको लिए यहाँ पे, और यहाँ वाले को लिखा हो HNO2 करके। करना है क्या आपको, सिंपल आपको सिंपल यहाँ मान लो सब कुछ गिवन होगा आपको, NaNO2 प्लस HCl गिवन होगा आपको यहाँ पे। हाँ एक्चुअली मैं इसको यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ मैं, चूंकि ये रिएक्शन कर रहा है, हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर रहे, ये एक्चुअली यहाँ से आ रहा है। तो क्या होता है कि जब आपका ये देखो, सिर्फ आपको अल्कोहल फॉर्म करना है, बस अल्कोहल फॉर्म कर दो, है ना, आपको यहाँ पे हीट लिखा है और प्लस वाटर लिखा है, क्लियर। आपको ये दो चीज लिखी रहेगी साथ में, एक बार इसको ऐसे रिएक्शन करना है, एक बार हीट करना है इसको वाटर के बेस में, तो आपके पास यहाँ पे आता है अल्कोहल प्लस में NaCl प्लस में N2 गैस, इतना करना है आपको सिंपल। तो ये बात कर ली हमने किसके लिए, हमने अल्काइल के लिए। देखो एरोमेटिक में थोड़ा सा कुछ अलग होता है, एरोमेटिक में क्या होता है कि जब के सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है आपका ये स्टेबल थोड़ा हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस के वजह से, रेजोनेंस की वजह से बहुत स्टेबल हो जाता है। बट हाँ, बट अगर मान लो आपने ले लिया यहाँ पे, ले लिया अनिल,
क्या लिया आपने, मान लिया यहाँ पे अनिल लिया, अनिल नहीं हमारा कुछ होता है सराहा, और मान लो हमने यहाँ पे ले लिया क्या अपना एनएनपी ले लिया सिंपल, प्लस में एसएल ले लिया। तो होता ऐसा है कि ये जो हमारा ग्रुप है, देखो ये जो एनएस टू है ये सिंपल ये एन टू सीएल माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, एन टू प्लस सीएल माइनस में। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बीडीसी करके, मतलब कि बेंजीन डाई अजोनियम सॉल्ट करके। अभी तक आप सोच रहे हो यार सर ने एक बात बताई नहीं अभी तक, ये अजोनियम का मतलब क्या है, अजो मतलब क्या होता है यार? अरे अजो का मतलब होता है सिंपल एन डबल बॉन्ड, जिस कंपाउंड में आपको यहाँ पे एन डबल बॉन्ड दिख जाए ना उस कंपाउंड में ऑटोमेटिक नेमिंग आती है अजो की। तो यहाँ अपना क्या, ये बेंजीन है डाई अजोनियम और सॉल्ट है ये, बेंजीन डाई अजोनियम यहाँ पे, इसलिए इसका आएगा क्लोराइड करके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो कैटा एनायन है वो अपना सॉल्ट अपना क्लोराइड है, तो ये बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड सॉल्ट अपना। ये आपको शायद से क्लियर हो गया होगा अच्छे से पूरा। और ये ना इसके पता गजब की बात क्या है, ये अगर आप इसको रखो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, 0 to 5 पे रखो उसको अगर आप 0 to 5 पे, तो ये जो कंपाउंड होता है ये स्टेबल होता है, ये थोड़ा सा कलरलेस सॉलिड होता है, कलरलेस सॉलिड होता है जो कि स्टेबल होगा। लेकिन जैसे आपने क्या किया, आपने जैसे ही मान लो यहाँ पे क्या किया आपने, अगर इसको रखे खुले में मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। और हमें यहाँ पे आपको पता है हवा में क्या होती है, नमी होती है, और आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप की रिएक्शन मिल जाएगी, मतलब कि इस बेंजीन पे वो जा जाएगा ऊपर, N2 गायब बस, मतलब कि पूरा गोबर हो गया फिर ऐसा। तो ये आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे 5 बार रिएक्शन था। अभी हम नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पे हम अगली रिएक्शन की, हाँ जो कि अपना होगा मेन रिएक्शन, इसका नाम होता है अपना हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट करके, और ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। क्लियर? जो नेक्स्ट अभी पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा अपना हिंसबर्ग टेस्ट करके। तो आप क्या करना, थोड़ा आप लोग अपनी टेस्ट रीडिंग कर लेना अच्छे से पूरा। हाँ और देखो सिंपल मैंने यहाँ पे हर पॉसिबल चीज़ बता रखी है आपको, हर पॉसिबल चीज़ें आपको, अगर एग्जाम में मतलब कहीं दिक्कत नहीं होगी थ्योरी लिखने में, यहाँ पे जो लिखा है थ्योरी मैंने सारी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको अच्छे से पूरा फॉलो करना। और नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अगले इसकी, और ना एक और चीज़ बता जाऊँगा आपको यहाँ पे, जो अपना ये बीडीसी होता है इसकी हम बात अलग करेंगे, हमारा जो चैप्टर है उसमें 20% पार्ट बीडीसी का होता है, मतलब के डाइजोनियम सॉल्ट का ये। अरे भाई ये इसका, ये मोटू का, इसका इसका यूज हमारे आगे होगा, तो मैं इसकी बात आपको वहां कराऊंगा पूरा अच्छे से। हाँ ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो कैसे क्या होता है पूरा प्रॉपर वहाँ पे। हाँ और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसका यूज़ बहुत होता है, एक्चुअली इसका यूज़ है वो बहुत है, इंडस्ट्रियल पे इसका बहुत यूज़ होता है। क्लियर? और आपको पता है ये जो सॉल्ट है ये किससे बना है, ये बना एनिलीन से, तो अगर ये इंपॉर्टेंट हो तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा ना, इसीलिए एनिलीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है हाँ इंडस्ट्रियल पर्पज पे, क्योंकि ये सॉल्ट इससे बन रहा है, और ये सॉल्ट है तो सॉल्ट अपना ये बहुत सारे कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं इसको। अगर आप केमिस्ट्री से पढ़ाई करते हो तो आपको लगे दिखेगा, मतलब आप करोगे तो आपको चलेगा पता कि यार इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे, टू मेनी एप्लीकेशन इट हैज। क्लियर? तो हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे अगले लेसन की, और तब तक के लिए आप लोग से पढ़ते रहिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।